तो जो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है आराध्या और आज हमारे साथ में आराध्या भी है हम लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली है अपना एक्सपीरियंस हाफ एल एग्जाम का कैसा हुआ पेपर आपका हर आराध्या सारे का बस में थोड़ा एक दो गलत हो गया आहा, कोई कोई सबसे अच्छा <laughs> पेपर किस सब्जेक्ट का हुआ है बताओ मैम इंग्लिश और, <laughs> और इंग्लिश के स्टूडेंट क्या बात है तो पेपर अच्छा हुआ बट uh, uh, उसकी जो प्रिपरेशन थी वो कैसी थी और कहाँ से की थी तैयारी मैम प्रिपरेशन आपके जो लाइव लेक्चर्स थे उससे और आपके पुराने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स से ग्रामर के उससे प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने मैराथन भी की थी ग्रामर की हाफ एली क्या मीन सारे सब्जेक्ट्स की जो हाफ एली मैराथन की थी वो अटेंड की थी आपने यस मैम सारे मैराथन्स ली फायदा हुआ कुछ ऐसा लगा कि मैच किया एग्जाम से यस मैम मैम साइंस से मैच कर रहे थे मतलब क्या बोल रहे हो साइंस में, में मैम काफी क्वेश्चंस मैच कर रहे थे क्या होते हैं सर साइंस मतलब आपने मैराथन सेशन और जो मॉक का सेशन था पेपर का वो दोनों सेशन रेगुलरली जरूर देखा होगा तभी आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे क्योंकि उसमें हमने यही ट्राई किया था कि आपको वही क्वेश्चन कराया जाए जो आपके एग्जाम में मैच फस जाए और जैसा कि आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन फंसे भी और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया होगा तो अच्छा लगा होगा कि हाँ क्वेश्चन तो मैंने किया है बन जाएगा पेपर क्यों yes, से नीचे लग रहा है सारा क्वेश्चन आता है ना हाँ। बस अब बस तीन घंटे में लिखना है पूरा कॉपी पेज भर देनी है दूसरी कॉपी भी लेनी है चलो बहुत बढ़िया चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है तो इंग्लिश में कौन सा सेक्शन ज्यादा इजी था और कितना ज्यादा मैच किया ये मुझे बताओ मैम ग्रामर में तो आपके सारे रूल्स मैच किए थे मतलब एरर uh, लिटरेचर मतलब में जो आपने करवाया था उससे आया था उसी से आया था ऐसा कुछ जिसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी चाहिए हमको जो कुछ नया ऐसा कुछ पेपर में दिखा हो या जो रह गया हो कर नहीं पाई हो कुछ लर्निंग वहां से ली मैम पैसेज थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी

नो सर डायग्राम दो तीन ही डायग्राम थे बाकी तू आंसर में डायग्राम बना ही दिया था और स्पेसिफिकली दो आए थे और तो सब इजी था सर साइंस आराध्या ने एकदम अच्छे से पढ़ा है तभी पेपर अच्छे कर रहे हैं बहुत बढ़िया आराध्या तो मैथ्स की जानी कैसी रही बेटा आपकी सर मैथ्स की भी एक्चुअली बस दो तीन क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मुझे

तो जितने भी क्वेश्चंस रेस्ट ऑफ द बचे थे उसमें से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम हमने जो मैराथन मॉक पेपर या क्लासेस में किया था उससे कितने परसेंटेज चांसेस थे कि कितने क्वेश्चंस हमें एग्जैक्टली exactly सेम देखने को मिले या कॉन्सेप्ट तो सेम से मिला हाँ। तो और उसमें से दो चार क्वेश्चन आए थे जो इजिली हो गए थे okay, उसमें टाइम

क्या बात है तब तो, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस हार्डवर्क के हिसाब से अगर स्टार्टिंग से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो बहुत अच्छी बात है बस लगे रहिए इस बार हमारी जो दो क्वेश्चन छूटे हैं मैथ्स में ट्राई करेंगे कि प्री बोर्ड को फोड़ कर गए ठीक है बेटा

बिल्कुल आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको पहले से पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन जरूर है ना तो में आपका हो जाएगा इस चैनल पर हम लोग ऑलरेडी ये क्लासेस तो लेकर ही आ रहे हैं बाकी के सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हम लोग यू you नो know, एक फ्लो uh, में टाइम टेबल की तरह आप लोग के पास में रोज आएंगी तो आई थिंक बच्चों को बाहर जाके यू नो ट्यूशन पढ़ना या कोई कोचिंग करना उसकी भी आई डोंट थिंक सो की कोई जरूरत है जब पे फ्री इन लोग की प्रिपरेशन हो रही है और जब लगेगा ना सर की ऑर्गेनाइज वे में कुछ ऐसा इन लोग के पास में कोर्स या भी ऐसा होना चाहिए वो हम लोग इनको टाइमली देंगे और अगर बच्चों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास क्वेश्चन की कमी है तो हम ऐप पर भी क्वेश्चन डलवा रहे हैं ऐप पर भी सैंपल पेपर डलवा रहे हैं है ना तो वहाँ कर सकते हो अगर आप खाली बैठे हो चलो एक क्विज दे दिया पांच मिनट दस मिनट का

क्या करते हैं क्या बोला मैं माइंड माइंड में थोड़ा बहुत हो जाता है चलिए वेरी नाइस अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके आपकी जो स्माइल है वो ऐसे ही बनी रहे और, और जम के मेहनत करेंगे हाँ, बेटा हाँ, इस बार प्री बोर्ड को भी मचा करके आएंगे ठीक है यस चलिए गॉड ब्लेस यू बेटा थैंक यू सो मच बाय थैंक थैंक यू सर